हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जो है हमारा नवंबर माह का दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्र के घटनाओं को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। इस पार्ट के वीडियो के बाद इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे एक बार वीडियो को देखने के अलावा आप प्रिंट करके उसे जरूर अपने पास रखें और पढ़ें, हाईलाइटर से हाईलाइट करें, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम में केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का विलय हाल ही में करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके कारण सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। तो ये पिछले महीने काफ़ी चर्चा में था, तो इसके इसे आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है। सेकेंड है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसा मुद्रा भंडार जिसमें विदेशी मुद्रा का संग्रहण किया जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। सभी देश इस प्रकार से विदेशी मुद्रा का भंडारण करते हैं। भारत का मुद्रा भंडार वर्तमान में 429 अरब डॉलर पहुंच गया है, और इस सूची में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुद्रा भंडार विदेशी चीन के पास है, तथा भारत को 8वां स्थान प्राप्त है। ये मुद्रा भंडार हमेशा घटते या बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यह करेंट से जुड़ा हुआ है। अगला है 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन। भारत और यूएस का आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका 15वां आयोजन था। तो आप याद रखेंगे कि भारत यूएस 15वां आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न के अस्पष्ट जांच हेतु ई मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई है। तो आयकर रिटर्न अच्छे से किया जा रहा है, इसके संबंध में जांच के लिए ई मूल्यांकन की शुरुआत की गई है। आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित ई मूल्यांकन किस विभाग से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय। जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पणजी में, अर्थात गोवा में आयोजित किया गया। तो जीएसटी की 17वीं बैठक, आपको पता होगा कि जीएसटी की बैठक किस क्रम में वित्त मंत्री जो रहते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पणजी गोवा में जो है जीएसटी की 37वीं बैठक का आयोजन किया गया। अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2019, ये ऐसी संस्था है जो आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट पेश करती है। तो विश्व के विकास दर 2018 की 3% से घटकर 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, अर्थात पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का विकास दर कम रहेगा, जो कि 2018 में 3% था, अभी 2.3% रहने का अनुमान है, जबकि भारत के विकास दर के संबंध में 6% अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण भंडार में प्रथम स्थान। सोने के भंडार से संबंधित रिपोर्ट में अमेरिका सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला देश बन गया है। अमेरिका के पास 8,133.5 टन जो है स्वर्ण भंडार है, जबकि भारत का इस क्रम में स्थान 10वां है और भारत के पास 618.2 टन स्वर्ण मौजूद है। तो ये थे आर्थिक घटनाक्रम के कुछ प्रमुख खबरें। अब आते हैं रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए खबरों की ओर। सबसे पहले सैन्य अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2019 थल सेना का एक अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच मध्य हुआ। यह हमेशा याद रखेंगे कि युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसका आयोजन स्थल वाशिंगटन था। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैत्री। मैत्री भारत और थाईलैंड दो देशों के मध्य जो है ये थल सेना का युद्ध अभ्यास हुआ, जिसका आयोजन मेघालय राज्य में किया गया। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। सिलीनेक्स। सिलीनेक्स में श्रीलंका और IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो सिलीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ और इसका आयोजन विशाखापट्टनम। जब भी इन खबरों को पढ़ें तो आप भारत का मैप जरूर दिमाग में रखें, ताकि आपको चीजें याद रह सकें। तो विशाखापट्टनम और उसी के साइड में आप ध्यान से देखें तो श्रीलंका, तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। अगला है सिटमैक्स। सिटमैक्स जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड
एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से जो है थाईलैंड का जो है मिक्स एक्सरसाइज नौसेना का यह युद्ध अभ्यास था जो कि आयोजित हुआ। यह इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए युद्ध अभ्यास को थोड़ा सा ध्यान से एक चार्ट बना करके याद रख सकते हैं। हिम विजय भारतीय सेना द्वारा आयोजन स्थल चीन सीमा के निकट, इसमें भारतीय सेना द्वारा जो है युद्ध अभ्यास किया गया और यह चीनी सीमा के पास आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक लघु ग्रह की खोज 2006 में की, जिसका नाम पंडित जसराज संगीतकार के नाम पर रखा जाएगा। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय संगीतकार होंगे कि जिसके नाम पर किसी लघु ग्रह या छोटे ग्रह का नाम जो है रखा जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं, पंडित जसराज संगीतकार के नाम पर IAU द्वारा ग्रह का नाम रखने की घोषणा की गई है। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया, इसका नाम जो है वो आप देख सकते हैं, कोनोटोरी 8 नामक इस मालवाहक जहाज को H-2B रॉकेट द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा JAXA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज जिसमें माल को परिवहन करके अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, ये पहला ऐसा प्रयास है जो कि जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं जो कि अमेरिका से लेकर के शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से इसका जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर को कहाँ से लाया गया है, तो USA से। भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वें महाद्वीप की खोज की है। स्पेन से ईरान तक सभी पर्वतों का 10 वर्षों तक विश्लेषण किया गया और इसे ग्रेटर एड्रिया का नाम दिया गया है। हालांकि अभी इसे और प्रमाणिक होने की ज़रूरत है, लेकिन भूवैज्ञानिकों के मानना है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वां महाद्वीप जो है वो स्थित है। भारतीय छात्र आभास सिक्का नाम याद रखेंगे द्वारा निर्मित लघु उपग्रह रमन सैट 2 का प्रक्षेपण नासा द्वारा किया गया। यह लघु उपग्रह सूर्य और अंतरिक्ष से विकिरण की माप करेगा। तो रमन सैट 2 याद रखेंगे जो कि सूर्य और अंतरिक्ष में विकिरण की माप करने के लिए छोड़ा गया है और इसका निर्माण जो है वो आभास सिक्का द्वारा किया गया। आगे आते हैं DRDO ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान नेत्र प्रदान किया है। DRDO ने भारतीय वायुसेना को, आपको पता होगा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेना के संबंधित सामान बनाने का कार्य करती है, तो उसने हवाई चेतावनी विमान नेत्र जो है वो बना करके भारतीय वायुसेना को सौंपा है। तो इसे थोड़ा याद रख सकते हैं। स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी INS खंडेरी को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो INS खंडेरी नौसेना में शामिल किया गया है और नेत्र जो कि एक हवाई चेतावनी विमान है उसे वायुसेना में शामिल किया गया है। ICGS वराह यह एक तट रक्षक पोत है। तट रक्षक पोत से तात्पर्य है कि पानी में रह करके यह जो है किनारों की सुरक्षा करता है। तो तट रक्षक पोत को चेन्नई बंदरगाह पर जलावतरण अर्थात जल में उतार दिया गया है। इसका मुख्य कार्य होता है समुद्री क्षेत्र में भारतीय सीमा पर रहकर भारतीय सीमा की सुरक्षा करना। तो ICGS वराह को चेन्नई बंदरगाह पर जलावतरण कर दिया गया है। आते हैं अब खेल घटनाक्रम की ओर, खेल से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले US Open 2019, ये US Open लॉन टेनिस से संबंधित है और लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें वर्ष का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम US Open कहा जाता है। इस US Open के विजेता उप विजेता के नाम यहाँ सूचीबद्ध है, इन्हें देख सकते हैं। पुरुष विजेता राफेल नडाल रहे जो कि स्पेन के हैं। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे जो कि दूसरे स्थान पर अर्थात फाइनल में पराजित हुए। महिला विजेता वियंका एंड्रीस्कू जो कि कनाडा की है और ये काफ़ी चर्चित रही हैं क्योंकि कनाडा से जल्दी जीतती नहीं है खिलाड़ियां, तो इसके कारण। और उप विजेता सेरेना विलियम्स अमेरिका की रही जो फाइनल में हार गई थी।
तो इस तरह से ये पूरे की पूरी सूची आपको याद होनी चाहिए। यूएस ओपन 2019 राफेल नडाल विजेता, महिला विजेता बियांका एंड्रुस्को और दोनों के पराजित खिलाड़ियों को भी याद रख सकते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2019। अंडर 19 एशिया कप 2019 क्रिकेट से संबंधित है और इसे भारत ने जीता और यह 7वीं बार भारत ने इसे जीता है। उप विजेता बांग्लादेश, फाइनल में बांग्लादेश को हरा करके भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2019 जीत लिया। अब आते हैं सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप। सैफ गेम्स का संबंध फुटबॉल से है, ये साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल है, ये अर्थात ये फुटबॉल गेम से संबंधित है और ये अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 है जिसमें भारत ने विजेता के रूप में अपना स्थान बनाया, जबकि फाइनल में हारने वाला खिलाड़ी देश बांग्लादेश था और आयोजन स्थल काठमांडू नेपाल था। तो नेपाल में हुए सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप को भारत ने जीता तथा पराजित हुआ बांग्लादेश। सैफ अंडर 15, वो सैफ अंडर 18 था, ये सैफ अंडर 15 है, यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल भारत में किया गया और इसमें विजेता भारत तथा उप विजेता नेपाल रहे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि सैफ 18 में क्या हुआ था और सैफ 15 में क्या हुआ है। अगला है द एसेज। द एसेज क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट को एसेस का नाम दिया गया है। एसेस 2019 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच हुए जिसमें 2-2 से स्कोर बराबर रहा। 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2 टेस्ट इंग्लैंड ने जीते और 1 टेस्ट ड्रॉ रहा था। इस तरह से यह टूर्नामेंट बराबरी पर समाप्त हुआ। अगला है दिलीप ट्रॉफी 2019-20 क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये पूछा जाता है तो क्रिकेट से है और इस दिलीप ट्रॉफी के विजेता थे इंडिया रेड टीम और उप विजेता थे इंडिया ग्रीन टीम। इसके बारे में बता दूं कि मैं इंडिया के पूरे खिलाड़ियों को विभिन्न कलर के नामों से टीम में बांटा जाता है, इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन, इंडिया ब्लू, इस तरह से बांट करके इनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसमें इंडिया रेड टीम जो है वो विजयी रही। अगला है चाइना ओपन 2019। ये चाइना ओपन खेल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और इस खेल में पुरुष विजेता केंटो मोमाटा रहे जो कि जापान के हैं और महिला एकल विजेता कैरोलिना मारिन रही जो कि स्पेन की है। तो याद रखेंगे चाइना ओपन 2019 बैडमिंटन, केंटो मोमाटा जापान, कैरोलिना मारिन स्पेन। वियतनाम ओपन 2019 बैडमिंटन। वियतनाम ओपन 2019 बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें भारतीय खिलाड़ी सौरभ वर्मा जो है वो विजेता के रूप में रहे जिसके कारण काफी चर्चित रहे और इसे प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। वहीं महिला एकल विजेता झांग यामा यमान रही जो कि चीन की खिलाड़ी है। बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, इसके पुरुष विजेता रहे लक्ष्य सेन जो कि भारत से संबंधित है। तो जिस भी खेल में अगर विजेता के तौर पे भारतीय खिलाड़ी जीतते हैं तो उस खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2019। आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो ब्राजील और प्रथम स्थान भारत को प्राप्त हुआ कुल 9 पदक के साथ। तो राइफल पिस्टल अर्थात निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को जो है वो पहला स्थान मिला कुल 9 पदकों के साथ। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है। FIBA वर्ल्ड कप 2019 बास्केटबॉल से संबंधित है और काफ़ी चर्चित खेल है ये यूरोपियन क्षेत्रों में। इसके विजेता देश जो रहे वो स्पेन रहे, उप विजेता अर्जेंटीना रहे। इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया। तो FIBA वर्ल्ड कप 2019 के विजेता देश कौन रहे? तो स्पेन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का आयोजन हुआ जिसमें दीपक पूनिया को रजत पदक जीतने का मौका मिला। राशिद खान काफ़ी चर्चित खिलाड़ी, अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्हें टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बनने का अवसर मिला है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बनने का इनको रिकॉर्ड बना है। अगला है जसप्रीत बुमराह जो कि
भारतीय क्रिकेट के प्रमुख गेंदबाज हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले इरफान पठान, हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लिए थे। विनेश फोगाट का संबंध जो है वो महिला कुश्ती से है और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। इस तरह से विनेश फोगाट को टोक्यो में होने वाले 2020 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगला है फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन 2020 में 2 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य भारत में किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। याद होना चाहिए कि फीफा विश्व कप पुरुष अंडर 17 का आयोजन भी भारत में ही किया गया था और यह फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन 2020 अर्थात अगले वर्ष 2 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य भारत में ही किया जाएगा। मिराई तोवा और सोमाइटी को टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर घोषित किया गया है। तो ये याद कर ले क्योंकि आने वाले ओलंपिक के समय में भी ये प्रश्न निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला है और इसमें मिराई तोवा और सोमाइटी को जो है वो शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। अब आते हैं फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग के तात्पर्य है फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक से लेकर के अंतिम स्थान तक रैंकिंग। इस रैंकिंग में अभी जो वर्तमान रैंकिंग है उसमें पहला स्थान बेल्जियम को प्राप्त हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत इस रैंकिंग में 104वें स्थान पे है। हालांकि ये रैंकिंग प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं क्योंकि समय समय पर ये रैंकिंग निर्धारित होते रहते हैं। अब आइए कुछ पुरस्कार और सम्मान से जुड़ी खबरों की ओर। स्वच्छता महोत्सव 2019 नई दिल्ली। स्वच्छता महोत्सव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किसे दिया गया? वैष्णो देवी मंदिर को दिया गया, जो कि सबसे स्वच्छ और आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुना गया। वहीं स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए रेलवे को जो है यह सम्मान या पुरस्कार दिया गया। तो दो इसमें महत्वपूर्ण है जिन्हें याद रख सकते हैं, बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस वैष्णो देवी और स्वच्छता एक्शन प्लान रेलवे मंत्रालय। ब्लैक होल का पहला चित्र लेने वाले वैज्ञानिक टीम को ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ब्लैक होल का यह पहला चित्र है जो वैज्ञानिक दृष्टि से लिया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक को अमेरिका में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 पटना से संबंधित है, इन्हें आप जानते होंगे। तो अमेरिका में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। आगे आते हैं, सोनू निगम को लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोनू निगम जो कि गायन क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान लंदन में दिया गया है। स्वस्थ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूएस दौरे के दौरान उन्हें यह पुरस्कार या सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह भारत में फिल्म जगत का सबसे प्रमुख पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह हाल ही में अमिताभ बच्चन को देने की घोषणा की गई है। अमिताभ बच्चन जिसे सुपर हीरो के रूप में भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता रहा है। मिसिज इंडिया 2019 पूजा देसाई को दिया गया है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। इन्हें याद रखेंगे, पूजा देसाई जो गुजरात राज्य से संबंधित है। और नारद सम्मान 2019 अच्युतानंद साहू पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। 28वां सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। यह के शिवा रेड्डी को देने की घोषणा की गई है और उन्हें यह पुरस्कार पक्काकी ओटी गिलिटे तेलुगु भाषा के पुस्तक के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे, 28वां सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड 2019 को रवीश कुमार को दिया जाएगा जो पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। अब आते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20, यह उषा खन्ना को दिया जाएगा जो संगीत निर्देशन के क्षेत्र में काफी चर्चित रही हैं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 काफी महत्वपूर्ण है ये पुरस्कार, कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए याद रखेंगे कि लता मंगेशकर पुरस्कार 19-20 उषा खन्ना जो संगीत से संबंधित है उन्हें दिया गया। अब आते हैं मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कैली पुरी को दिया गया है कि मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, तो कैली पुरी। मध्य प्रदेश बिरला मेमोरियल पुरस्कार थानु पद्मनाथम नाभम को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश का बिरला मेमोरियल पुरस्कार। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019। फीफा के रैंकिंग के साथ साथ अभी हाल ही में फीफा में जुड़े हुए खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की गई, इसमें बेस्ट फुटबॉलर पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो लियोन मेसी को दिया गया जो अर्जेंटीना से संबंधित है। बेस्ट फुटबॉल महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मेगन रेपिनोय को दिया गया जो कि यूएसए से संबंधित है। अगला है समग्र पर्यटन विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य आंध्र प्रदेश को चुना गया है, समग्र पर्यटन के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य आंध्र प्रदेश को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली राज्य उत्तराखंड को चुना गया है जो कि पिछले साल मध्य प्रदेश था, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली राज्य उत्तराखंड। अब आते हैं डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 शेख हसीना को दिया गया है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 शेख हसीना को दिया गया जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कि सरदार पटेल को मुख्य रूप से भारत के एकीकरण के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत की गई है। 20वां IIFA अवार्ड 2019, इसका आयोजन मुंबई में किया गया जो कि पहली बार है। यह फिल्म से संबंधित अवार्ड है जो भारतीय फिल्मों को दिया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जो है वो भारत से बाहर किसी विदेशी स्थल पर किया जाता था, पहली बार इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। इस IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी को दिया गया जो कि काफ़ी चर्चित रही यह फिल्म। सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में अंधाधुन को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह जिन्हें पद्मावत फिल्म के लिए चुना गया और तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया जो कि राजी फिल्म से संबंधित थी। तो इस तरह से ये याद रखेंगे पूरा लिस्ट कि IIFA अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही, राजी। सर्वश्रेष्ठ कहानी अंधाधुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। अब आते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर, पुस्तक में कुछ चर्चित पुस्तकें। बिंग गांधी, ये बिंग गांधी पुस्तक जो है ये पारो आनंद, बिंग गांधी पारो आनंद की रचना है और हाल ही में ये चर्चित रही। द डायरी ऑफ मनु गांधी, ये त्रिदीप सुहरूद की लिखी हुई पुस्तक है। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, राजेंद्र बी अकलेकर की यह रचना है। और सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट 1883-1924, विक्रम संपत की पुस्तक है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। अब आते हैं अंतिम चरण में प्रमुख दिवस की ओर, जो सितंबर माह के प्रमुख दिवस हैं उनकी ओर आते हैं। सितंबर माह में कुछ चर्चित दिवस थे, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 21 सितंबर, इसके अलावा एक दो और हैं। तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि किन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा और आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करेंगे।
अगला है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जहां 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम था साक्षरता और बहुभाषावाद, साक्षरता का बढ़ावा देना और बहुत सारे प्रकार के भाषाओं को बढ़ावा देना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है और ये काफ़ी चर्चित है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रकार के संरक्षण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रखा गया था कीप कूल एंड कैरी ऑन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मूल रूप से ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था और उसी के तहत ये बताया गया है कि कीप कूल एंड कैरी ऑन। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे इस बार थीम था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। तो क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, तो उम्मीद करते हैं ये याद हो गए होंगे। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। इसमें इस बार का थीम था टूरिज्म एंड जॉब, गुड फ्यूचर फॉर ऑल। टूरिज्म के साथ जॉब बढ़ेगा तो सबके लिए अच्छा भविष्य होगा। तो टूरिज्म एंड जॉब, गुड फ्यूचर फॉर ऑल, विश्व पर्यटक दिवस का ये थीम था। ये 27 सितंबर को मनाया गया। तो ये था हमारा इस महीने का करेंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को जरूर ध्यान से पढ़ें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद इडुटेरिया से जुड़ने के लिए और प्यार देने के लिए धन्यवाद।